राम राम सर, स्थानीय भाषा का समचारा में आपरो स्वागत है। सबसे पहले नजर राखेला अब तकरी मोटी खबर में। विधानसभा रा बजट सत्र की शुरुआत, स्वाइन फ्लू ने लेर विपक्ष घेरे, सरकार ने राठौड़ बोलिया में वक्तव्य देवाने त्या। सदन में कटारिया दुआयो फर्जी सरपंचा माथे कार्रवाई रो भरोसो, सरकार करी तैयारी, दोसा में नरा सरपंचा का कागज गंबा, सुप्रशासन माथे सवाल। पीसीसी माथे कांग्रेस बैठक में फेर निकलिया गिला सिखवा, कई जना संगठन ने रुड़ाबा में लागिया, तो कई बोलिया हार वाला नेता ने क्यों दी जिम्मेदारी। हथियार वाला मामला में कोनी हुई सलमान के खिलाफ फैसलो, वकील लगाई हाजिरी माफी की अर्जी, 3 मार्च ने फिर हो सी सुनवाई। सीकर का रिंग समय सजो बाबा शाम रो दरबार, लखी मेला खातिर कूणा कूणा सो अब्बा लागिया भगत, प्रशासन करी कल्डी चौक से। विधानसभा रा बजट सत्र की राज्यपाल का अभिभाषण सागे शुरुआत हुई, पहला ही दिन शुरुआत विरोध की सागे हुई, कांग्रेस रा सगड़ा विधायक मास्क लगार विधानसभा पुगिया और सदन में भी पूरी टेम मार्क लगार बैठे रिया। कांग्रेस विधायक सरकार माते स्वाइन फ्लू से बचाव में विफलता का आरोप लगाया और आपरो विरोध जतायो। इस पहले राज्यपाल कल्याण सिंह जिया ही अभिभाषण पढ़वा लागिया, निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल स्वाइन फ्लू और कानून व्यवस्था पर बोलबो शुरू कर व्यवधान दियो, पाछे राज्यपाल जद भी आपरो अभिभाषण जारी रखियो, पाछे संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ राज्यपाल का खराब स्वास्थ्य को हवालो दे अभिभाषण पढ़ियो मानवा जाबा की बात कही, जिन्हें आखिर में पढ़ियो मानो भी हो। साढ़े 800 में 225 से ऊपर जो है खाली राजस्थान के अंदर इस स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर जो है लोग मौत के ग्रास में चले गए। सरकार की तरफ से इस स्वाइन फ्लू के कंट्रोल में कहीं कोई कदम नहीं उठाया गया, तो पूरे राजस्थान की जनता का इसके प्रति बहुत बड़ा रोष है। हमने आज विधानसभा में भी जो है इस बात को रखा। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण बड़ा गरिमापूर्ण समय होता है, उसमें व्यवधान पैदा करना मैं समझता हूँ सदन की मर्यादाओं के खिलाफ है। स्वाइन फ्लू के मामले में आगे बढ़कर हमने खुद ने कहा है कि सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है, समय का निर्धारण माननीय अध्यक्ष महोदय करें। बटे ही विधानसभा में आज हुई कार्य सलाहकार समिति यानी बीएसी की बैठक में सदन में 4 दिना का कामकाज तय किया गया। बीएसी की बैठक में मुहैया फैसला का हिसाब से 26 और 27 फरवरी 2 और 3 मार्च ने राज्यपाल का अभिभाषण पर बहस हो सी। 3 मार्च की शाम 5 बजे सीएम वसुंधरा राजे अभिभाषण पर वाद विवाद माथे जवाब दे सी। 28 फरवरी और 1 मार्च ने सदन की छुट्टी होवेला। बटे ही 3 मार्च ने फिर से बीएसी की बैठक हो सका। 3 मार्च ने अभिभाषण पर सरकार का जवाब पाछे 4 दिन की होली की छुट्टी रखी जासी और फिर 9 मार्च ने बजट पेश करबा को दिन तय हुई है। आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी हुई है, उसमें आगामी कार्यक्रम भी निश्चित हुआ है, परंतु क्योंकि जब तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाए ये मामला गोपनीय है, इसलिए उसका विस्तृत जानकारी देने में मैं असमर्थ हूँ। परंतु इस बार हम चाहते हैं कि सदन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले, राजस्थान की समस्याओं का शानदार मंच बने, जहाँ सरकार अपनी बात आम जन तक पहुँचाने के लिए सदन का उपयोग करें, वहीं अगर प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं तो तर्कों के आधार पर उठाएँ, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। पंचायती राज चुनाव में का सब विवाद, मरिया पढ़ाई का नियम और शौचालय का नियम लागू करबा का अध्यादेश अबकाला विधानसभा सत्र में कानून को रूप ले सी। दोनों पंचायती राज संशोधन अध्यादेश आज पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र गोयल सदन की मेज माथे मेलिया। अब आ विधेयक पर बहस होसी, जी के पाछे आने पारित करायो जासे। आपने बता दिया कि पंचायती राज चुनाव में सरकार अध्यादेश लियार सरपंच खातर 8वीं पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य की खातिर 10वीं पास होबा की योग्यता ने लागू कर दी ही, जीरे माथे का सा विवाद हुआ है। अब मामला में अगली सुनवाई बेगई है सुरेंद्र गोयल की, कि ई टेम पर चोखा लोग चुनी आया है। ये जो अध्यादेश लाया गया है ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि शिक्षा के बिना पंचायत राज का विकास नहीं हो सकता था। आज आप लोगों को पता होगा कि जो सरपंच केस डायरी लिखते हैं, जो सरपंच
चेक पे साइन करते हैं और वो बिना पढ़ा लिखा सरपंच वो क्या करेगा। इसलिए जो ये अध्यादेश लाया गया है ये जनहित में लाया गया है और सरकार इसके लिए कटिबद्ध थी। अब की बार पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता रूप प्रावधान लागू होबा पर फर्जी मार्कशीट सु सरपंच प्रधान और प्रमुख बनी चुके जनप्रतिनिधिया माथे कार्रवाई तय होगी है। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया फर्जी मार्कशीट सु पंचायती राज जनप्रतिनिधि बनिया लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात बोलिया। थाने बता दिया कि इबर पंचायती राज चुनाव में पढ़ाई को नियम लगाए हो जिरे माए का सज्जना फर्जी अंक तालिका बना चुनाव लड़े हो और सगड़ा माथे अब कार्रवाई करी जैसी। जिन्होंने भी गलती की है कानून के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। मैं इस पक्ष का हूँ कि हमने शिक्षा का स्तर इसलिए नहीं कायम किया कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके पदों पर आए, उसके बाद भी अगर किसी ने गलती की है तो वो सजा भुगतेगा निश्चित रूप से। मेरे यहाँ अगर मुकदमा दर्ज करेंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, उनके खिलाफ जो कानूनी धाराएं होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार ने अभी पिछले दिनों पंचायत राज को सुदृढ़ीकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे राजस्थान भर में कि सरपंच ग्राम पंचायत के लिए 8वीं पास और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए 10वीं की जो अनिवार्यता की थी, उस बीच इस कई जिलों में इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाकर ग्राम पंचायतें हासिल की हैं। तो निश्चित रूप से विधि सम्मत जो उनकी जांच की जाएगी, संबंधित एजेंसी जांच करिए और जो ऑन मेरिट जो डिसाइड करेगा उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। दूसरी तरफ दौसा की नांगल चापक ग्राम पंचायत का पंच और सरपंच का पर्चा से जुड़िया सगड़ा कागज गमीज गया है। दौसा उपजिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद शर्मा रुखेण है कि मामला में जांच हो रही है, संबंधित आरओ और बीडीओ ने भी इस बारे में नोटिस दिया गया। मामला को खुलासो भी टेम पर हुई हो जब एक जनो सूचना का अधिकार में आ कागदारी नकल मांगी ही जिला रे माए फर्जी अंक तालिका से जुड़ी 100 शिकायत दर्ज करी गई है। ग्राम पंचायत के सरपंच के निर्वाचन से संबंधित कागजात की जब नकल मांगी गई तो हमने संबंधित उपखंड अधिकारी को नकल उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया। तब पता लगा कि जो लिफाफा P1 है उसमें जो कागजात होने चाहिए वो उस लिफाफे में रखे हुए मिले नहीं हैं, तो उपखंड अधिकारी ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस दे करके और ये निर्देशित किया है कि वो संबंधित नामांकन पत्र और अन्य दस्तावेज जहाँ भी रखे गए हैं वो निकाल करके उनको उपलब्ध करवा दें। विधानसभा का बजट सत्र में कांग्रेस आक्रामक रुख घाल मिलो है जिसके कारण सो आज विधानसभा में सरकार ने विधायक घेरता दिखा। इन लेर आज कांग्रेस रा विधायक दल री पीसीसी माते हताई राखेगी जिसके माय सदन में सरकार ने घेरबा पर बात हुई है। विधायक स्वाइन फ्लू, बिजली की बड़ी दरा, यूरिया की कमी और कानून व्यवस्था जिसिया मसला पर सरकार से जवाब मांगबा पर आम सहमति बनाई। सागे ही मास्क पहन विधानसभा में प्रदर्शन करबा को फैसलो भी लियो। एक पाछे विधायक सागे पीसीसी रा पदाधिकारी की एक संयुक्त बैठक हुई जिरे माए सदन में उठाया जा वाला मुद्दा माथे बात करेगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डोडी, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत समेत पार्टी रा विधायक मौजूद रहा। सवा साल हो गया सरकार को भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हुए और इन सवा सालों में जो इन्होंने बजट में घोषणाएं की थी वो 25% भी पूरी नहीं कर पाई और आज प्रदेश की हालत है कि स्वाइन फ्लू एक महामारी की तरह प्रदेश में फैल गया है और जो सरकारी आंकड़े हैं वो 225-230 के आसपास हैं जबकि मृत्यु लगभग गांवों में 500 लोगों की हो चुकी है। 12 महीने से सरकार का फेल्योर है। कानून व्यवस्था भी ले लीजिए, बिजली की रेट बढ़ाने को ले लीजिए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने को ले लीजिए, जो गरीबों के मकान जो BPL आवास योजना में बन रहे थे उनको बंद करने को ले लीजिए, सारे इतने मुद्दे हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा ही नहीं रह सकता है और संगठन की मजबूती के लिए भी संगठन में जो भी सुझाव अपने अपने हुए वो सब दिए हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो विधानसभा का सत्र है ये सरकार के लिए ऐसा बनेगा कि सरकार चारों खाने चित आएगी।
सत्ता पक्ष ने सदन में घेरवा खातिर पीसीसी में हुई बैठक रे माय आज 24 मसू 19 विधायक ही पुग्या। पूर्व सीएम और विधायक अशोक गहलोत समेत विश्वेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह मलिंगा और धीरज गुजर बैठक सु नजारद रिया। हालांकि अशोक गहलोत वायरल फीवर होबासु अठे कोनी आया, जबकि बाकी तीन जना क्यों कोनी पुग्या ई मत जवाब कोनी मिल्यो। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी रे दफ्तर माते हुई हताई रमाय सदस्यता अभियान और कार्यशाला माते बात हुई। पदाधिकारी आला नेता की सामने ही रिसाया और आपरी शिकायत दी। पूर्व विधायक रघु शर्मा खरीखरी के तविया बोलिया कि जदे सत्ता हुए तो संगठन ने कोई कोनी पूछे। शर्मा बोलिया कि इसो संगठन बणीजनो चाहे जे जिसो सत्ता और संगठन में तालमेल रेवे। बट ही प्रदेश सचिव के हरितवाल भी बोलिया और कियो की पार्टी विधानसभा चुनाव में भारी वोटा सु हर बड़ा नेता ने ही पदाधिकारी बना दियो, जिसको गलत संदेश जारी हो। आज सुबह हमारे महासचिव गुरदास कामत जी ने और मैंने, जो हमारे विधायक दल के सदस्य हैं, रामेश्वर डूडी जी के साथ बैठकर चर्चा करी है कि सदन के अंदर किस प्रकार से हमें सरकार की जवाबदेही तय करनी है, किस प्रकार से जो निष्क्रिय और लापरवाह सरकार चल रही है पिछले 14 महीने से, इस बजट सत्र में किन मुद्दों को हम रेखांकित करेंगे, जनता से जुड़े हुए विषयों को लेकर हम सरकार से सवाल जवाब करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को कि जनहित के काम को वो चालू करें, क्योंकि बजट सत्र में समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। इसलिए सभी सदस्यों की राय थी कि हम उचित मौके पर एक गंभीर रूप से उचित मुद्दों को उठाएंगे और सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। उसके पश्चात हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की आज मीटिंग हुई और लगभग 2 घंटे तक हमने गहन रूप से चर्चा करी है कि आने वाले समय में जो अगले 3-4 दिन तक सभाएं होंगी अलग अलग संभागों में, वहां पर ब्लॉक जिले के जो कार्यकर्ता हैं उनकी राय के अनुरूप हम लोग सुझाव प्रस्ताव भेजेंगे श्रीमती सोनिया गांधी जी को, और महीने के आखिर तक मुझे रिपोर्ट देनी है कांग्रेस अध्यक्षा को। उस रिपोर्ट में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद जो सुझाव लोगों के आएंगे, जो राय लोगों की होगी, कार्यकर्ताओं की होगी, जो पदों पर बैठे नेता हैं उनसे लगातार संवाद हमारा रहता है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग कोनों में जो कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक में, जिलों में, गांव ढाणियों में, उन लोगों से राय लेने के बाद हम रिपोर्ट तैयार कर कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सबमिट करेंगे। और मैं समझता हूं कि कुछ हफ्तों के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होगा, वहां पर भविष्य में कांग्रेस पार्टी की रीति नीति क्या होगी उस पर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सुझाव होंगे उसका भी एक अहम भूमिका रहेगी। पूरे देश भर में इस तरह के कार्यक्रम लगाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश, उपाध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी के निर्देश यही थे कि ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता क्या कहना चाहते हैं, पार्टी स्ट्रैटेजी के बारे में हो, पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में हो, मेंबरशिप ड्राइव के बारे में हो, चुनाव प्रक्रिया के बारे में हो, पार्टी में रिजर्वेशंस के बारे में हो, इन तमाम मुद्दों पर आम कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल का, जिला स्तर का, प्रदेश लेवल का, डिवीजन लेवल का क्या कहना चाहता है, लीडर्स क्या कहना चाहते हैं, यही बात सुनने के लिए ये सारे कार्यक्रम लगाए गए हैं। अब गुजरात, हमने पूरे जनवरी महीने में गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव मैंने पूरा कर लिया था, क्योंकि यहाँ पंचायत के चुनाव थे। फिर जनवरी महीने में हम राजस्थान में हमने ऐसे कार्यक्रम नहीं लगाए, और अभी कोटा जा रहे हैं, कल अजमेर में होगा, परसों बाड़मेर में होगा, और 28 तारीख को हमें कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपनी है। इससे पहले जिला स्तर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कर लिए है कार्यक्रम। समाचार जोधपुर सु है, जटे हिरण शिकार मामला में हथियारों ने लेर सलमान खान के खिलाफ चाल दिया मामला में आज फिर फैसलो टल गयो। अब मामला में 3 मार्च ने फैसलो वही सके। अदालत सलमान खान की तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी ने मंजूर कर अगली तारीख दी है। सलमान पर कांकड़ी में हरण रो शिकार की टेम पर गैर कानून है हथियार को इस्तेमाल को आरोप हो। इस बीच में सलमान रा अधिवक्ता अदालत से बेगा ही फैसला देवा की मांग करी है। सलमान के विरुद्ध जो अवैध हथियार अपने कब्जे में रखने तथा उनका प्रयोग करने का आरोप में मुकदमा चल रहा है, उस प्रकरण में आज फैसला होना था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष ये निवेदन किया कि उन्होंने 2006 में 3 प्रार्थना पत्र पेश किए थे, उस पर पहले सुनवाई की जाए, जिस पर आज उन 3 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने 2006 में यानी करीब 8.5 साल पहले 3 प्रार्थना पत्र पेश किए थे, जिनके जरिए 24 गांवों को अदालत में बुलाने के लिए निवेदन किया गया था और कुछ दस्तावेजात पेश करने के लिए भी निवेदन किया गया था।
हमने अदालत से निवेदन किया कि 16 वर्ष में अभियोजन पक्ष ने मात्र 16 गवाहों के बयान करवाए, उसके बाद अक्यूज के बयान हुए, उसके बाद प्रतिरक्षा की तरफ से साक्षी हुए, उसके बाद लंबी चौड़ी अंतिम बहस हुई और जब अंतिम फैसले के लिए घड़ी नजदीक आई तो ये बात प्रोसिक्यूशन ने कही है जो कतई मानने योग्य नहीं है। अगर 24 गवाहों के बयान अलग किए जाते हैं तो 24 साल और लग जाएंगे और देरी से न्याय करना अभियुक्त के विरुद्ध एक तरह से उसको न्याय नहीं दिलाने के समान है। 16.5 साल से अभियुक्त ये विचारण का केस भुगत रहा है और अधिक अनलिमिटेड समय के लिए उसको विचारण का केस भुगतने के लिए बाध्य करना कतई न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए हमने ये निवेदन किया कि इनके तीनों प्रार्थना पत्र खारिज किए जाए। राजस्थानी भाषा का समाचार में अब टेम है थ्यावस को बढ़िया रिजो समाचार जारी रेवेला। अब समाचार सीकर सु है जटे बाबा श्याम रो लखी मेलो आज शुरू हुई गो है। मेला रे माए अब कड़ी भर 25-30 लाख भक्त बाबा का दरबार में धोक लगाबा सी। मेला रे माए 25,000 पुलिस रा 2500 पुलिस रा जवान तैनात कराया गया है। पूरा मेला में 200 सीसीटीवी कैमरा नीचे राख सी, जिम 125 कैमरा पर जिला प्रशासन और 75 कैमरा वाटे CID जिला और IB की नजर रहसी। मेला में अबकाली भर 2 पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाए गया है जहां में सु एक शाम मंदिर करने रेसी। थाने बता दिया कि लाड़ला देना मंदिर ने धमाका री खबर आई ही जेरे पाचे सुरक्षा ने ले रटे घनी चौकसी बरती की है। मेलो 3 मार्च तक चाल से। पिछली बार जैसे कोई 75 CCTV कैमरा लगे थे, इस बार हमने और बढ़ा के 125 के करीब CCTV कैमरा लगाए हैं जो कि पार्किंग से लेकर और निकासी के स्थान तक एक एक इंच की जो मूवमेंट है वो उन CCTV कैमराज में कैद रहेगी। पिछली बार हमारे खुद का पुलिस का स्टाफ उन कैमरा कंट्रोल रूम में नहीं रहता था, लेकिन इस बार हमने शिफ्ट वाइज उनको भी लगाया जो कि कंटिन्यूसली वॉच करते रहेंगे कौन किस तरह की हरकत वहाँ पे कर। खाटू श्याम जी रो मेलो शुरू हो चुके है और जगह जगह से लोग पैदल चाल अठे पूग रिया है। अजमेर से भी 150 भक्तारो जत्थो खाटू श्याम जी रे वास्ते पैदल रवाना हुई हो। जत्थो 200 किलोमीटर पैदल चाल खाटू श्याम जी पूगेलो। जत्था रे माए शामिल लोगा में पदयात्रा ने लेर घणो उत्साह देखवाने मिलियो। जत्था रे माए लोग पहली बार पदयात्रा कर रिया है तो नरा जना इन का जो साला सु खाटू जावे है। अतरे माए निशान थामिड़ा नाश्ता गाता खाटू श्याम जी रा ये भगत जयकारा लगाता हुआ आगे चल रहा। कल 24 तारीख से मेला चालू हुआ है। हम अजमेर से खाटू धाम जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, 5वीं साल है ये। 5वीं पते पर पहले यात्रा है, 200 किलोमीटर करीब पड़ता है और हम 150-200 आदमी जाते हैं। फागण को महीनो है, एक सागे ही छोटी खासी जयपुर की बात करा तो अटे फागोत्सव अभी शुरू हुई गो है। जयपुर आराध्य गोविंदेव जी रमिंद्र माय ने फागोत्सव हुई हो जिन्हें माय ने भक्ता ने उत्साह में देखवाने मिलो। फागण के पहले के साथ दूसरी तरफ चुरू की बात करा तो अठे जिला मुख्यालय माथे चंग बनावर रो काम वार्ड 34 को एक परिवार क्रिया करे। ये परिवार रा मुखिया झुमकी देवी रो कहना है कि वो परिवार 4 साल 4 पीढ़िया सु भेड़ की खाल सु चंग बनावे है।
पर ये परिवार रो काम सु अब मन हटतो जा रियो है। ये जो कारण है पहले होली री धमाल और मस्ती चंग मत हुई थी पर अब गाना बजीजे है और चंग बजाबड़ा में बात कोनी री। बेड़ा री खाल सु चंग बनाबा में 2-3 दिन लाग जावे और 400 से 72 रुपया खर्च हो जाए पर 500 रुपया सु बत्तो चंग कोनी बिके जिसके कारण सु बाकी मिजूरी भी कोने हुआ है। माने कोई मतलब पुराना बस बुढ़ा बस सब बना रहा तो सारा जो गांव का जो मांग ग्राहक आवे सीधा घर ही आ जावे। अब नहीं बढ़ावा देना तो बकिया के पुरानी बड़गाई रीत तब निकल जावे। संस्कृति ने बढ़ावा देना के लिए मैं तो आगे वो काम चला रहा क्यों है बाकी कोई कमाई को तो जरिए है कोनी बेटा पोता बनावे मैं सब पहली बनाती सही बच्चा ही बनाया। अब है जो 5-7 बच्चा कमाने से कुर्ता में बेटा पोता ही बनावे मेरे ऊपर। प्रदेश में स्वाइन फ्लू रो कहर धीरे धीरे होले होले बढ़बा लग कम होबा लगी है। हड़ोती माए बात करा तो गर्मी की शुरुआत के सागे ही स्वाइन फ्लू से राहत मिलबा लगी है। कोटारे माए रोजिना दर्जना की संख्या रे माए पॉजिटिव मरीज पहले आवता है पर आँख की संख्या कम होगी है। ये हफ्ता रे बात करा तो हाल तक 18 मामला सामने आया है। MBS अस्पताल में हाल 6 मरीजों को इलाज चल रही है। चिकित्सा विभाग ने उम्मीद है कि बेगा ही ये बीमारी माथे काबू पा ले सा। दूसरी तरफ जयपुर का आंकड़ा की बात करा तो स्वाइन फ्लू से 8-45 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 मरीज सामने आ चुका है बटे ही समय मानसिंह अस्पताल ने माए हालताणी भी 10 मरीजों ने वेंटिलेटर माथे इलाज खातिर रखे हुए है। जानलेवा बीमारी से पूरा प्रदेश में 234 मरीजों की मौत हुई है। 4,884 मरीज पॉजिटिव पाया गया। जयपुर के SMS अस्पताल में बनिया नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर की शुरुआत हुई है। ट्रोमा सेंटर ने माए ऑर्थोपेडिक विभाग की तरफ से OPD शुरू की गई जो कि 9 बजे से 3 बजे तक चाल सी। इनमें पहला अस्पताल सपाखाना में मरीजा खातिर MRI मशीन लगाई गई। हालांकि अस्पताल रो विधिवत शुरुआत को नहीं हुई पाई। अस्पताल की बात हो रही है अटे घना उपकरण लगाबा को काम हाल चाल रही है। ट्रॉमा सेंटर को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं अभी। ऑर्थोपेडिक्स का आउटडोर और उसमें होने वाले प्लास्टर और उसमें होने वाली छोटी छोटी चीज़ें और होती हैं जैसे और टाके लगाने या कुछ करना है तो इस तरह की सुविधाएं कल से चालू हमारी राजस्थान जनता को देना चाहते हैं नए निर्माण में। और धीरे धीरे जो कमियाँ खलती जाएंगी या पूरी होती जाएंगी तो धीरे धीरे थिएटर चालू कर देंगे। और मैं समझता हूँ 15 दिन में पूरा ट्रॉमा सेंटर और ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट वहां पे शिफ्ट होकर अच्छी तरह से कार्य इंडिपेंडेंटली करने लग जाएगा। विधिवत उद्घाटन होगा लेकिन केवल इसको रिहर्सल करने के लिए जब हम तैयार हैं पूरी तरह तभी हम कहेंगे कि मतलब हमारा उद्घाटन करो। जब हम तैयार ही नहीं और उन्होंने उद्घाटन कर लिया तो फिर आप नेक्स्ट टाइम से पूछोगे तब आपको तैयारी नहीं थी तो आप उद्घाटन क्यों करा दिया आपने। दूसरी तरफ SMS सपाखाना का डॉक्टर पहली बार केडेबर ट्रांसप्लांट करवा में कामयाबी हासिल करी है। इस राजस्थान रा मेडिकल जगत ने एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ एक खाता डॉक्टर ने बताया। राजस्थान के चिकित्सा इतिहास के अंदर आज एक नया अध्याय जुड़ा है। पहली बार स्वाई मानसिंह चिकित्सालय में केडेबर ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा चिकित्सकों की उस पूरी टीम को जिन्होंने लगातार 18-18 घंटे ऑपरेशन करके कैडेवर ट्रांसप्लांट किया है और ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि इसमें हमें कामयाबी मिले। सरकार की घोषणा थी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में शामिल हो उस ओर हमारी तरफ से उठाया गया एक ठोस कदम है। सिंगापुरी कंपनी SMRTC रा डेलीगेशन आज जयपुर मेट्रो का अफसरा समेत ACSU मेट्रो का दूसरे चरण में निवेश ने लेर हताई करी। प्रस्ताव माते हताई कर सिंगापुर मास रैपिड ट्रांजेक्शन कॉरपोरेशन का प्रतिनिधि निवेश ने ले टेम मांगियो है। मेट्रो CMD नियाल चंद गोयल रो कहना है कि निवेश री राशि कासा है जिसके कारण सु कंपनी हर बिंदु माते विचार री बात की है।
आज राजस्थानी भाषा रसम चारा मा तो ही आगे देखो। जयपुर जंक्शन कुहाल पूनम शर्मा किला राम राम सा।